हेलो भाई, वेलकम बैक। मैं चैनल पर दिए विचार यूनाइटेड कैट फाइव लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 13 जून थर्सडे से होने जा रही है। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इसकी जीएमपी क्या चल रही है? अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है? इसकी बिजनेस क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है? इन सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग यूनाइटेड कैट फाइव लिमिटेड आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। ए 13 जून थर्सडे को ओपन होगा, क्लोजिंग 19 जून वेडनेसडे को होगी, अलॉटमेंट 20 जून थर्सडे को होगी, रिफंडेड 21 जून फ्राइडे को होगी, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डेबिट अकाउंट 21 जून फ्राइडे को, लिस्टिंग 24 जून मंडे को होगी। इसका फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर, प्राइस ₹70 पर शेयर, लॉट साइज 2000 शेयरों की है, टोटल इशू साइज 36.29 करोड़ है, फेस इशू 36.29 करोड़ है। इसकी लिस्टिंग BSE SME मैच प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का रिजर्वेशन किया गया है एंड अदर्स के लिए भी 50% का रिजर्वेशन किया गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹1,40,000 है एंड HNI कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹2,80,000 है। हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2021 में 0.11 लाख के लॉस में था, 2022 में अपने लॉस को कवर करके 1.60 लाख के प्रॉफिट पाया, 2023 में 13.93 लाख के प्रॉफिट आया और 24 में एक साल के अंदर इसके जो प्रॉफिट में वृद्धि देखने के लिए मिला है बहुत ही सरप्राइज है। 13.93 लाख से सीधे 866.65 लाख पर पहुंच चुकी, बहुत ही सरप्राइज। यहाँ पर फास्ट ग्रोइंग, इसकी जो डाटा है काफी ज्यादा फास्ट चेंज हो रहे हैं, ये लगभग 60 गुना का यहाँ पर वृद्धि होते हुए दिख रहे हैं इसके प्रॉफिट में। इसके रेवेन्यू भी देखें तो 2022 में 1.88 लाख था, जो 2023 में बढ़कर के 64.02 लाख पर पहुंचा और 24 में एक साल के अंदर इसमें भी काफी तेजी से उछाल देखने के लिए मिला, 11,552.74 लाख पर पहुंचा। तो इसमें भी काफी ज्यादा फास्ट डेटा चेंज होते हुए दिख रहे हैं। एसेट 2021 में 107.10 लाख थी, जो ग्रो करके 22 में 1,559.95 लाख पर पहुंचा, 23 में 5,367.71 लाख पर पहुंचा और 24 में 8,168.46 लाख पर पहुंच चुका। तो काफी फास्ट इसके डेटा चेंज हो रहे हैं, बहुत ही शानदार। एक साल के अंदर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं और ये बहुत ही सरप्राइज करने वाले आंकड़े हैं। एक साल के अंदर जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, नेटवर्थ 2021 में 0.22 लाख के, 22 में 681.97 लाख पहुंच गया एंड 23 में 993.56 लाख, 24 में 1,356.42 लाख को पहुंच चुके। टोटल ग्रोइंग 2021 में 106.50 लाख थी, 2022 में बढ़कर के 773.47 लाख पहुंचा, 23 में 3,821.18 लाख पहुंचा एंड 24 में 4,750.93 लाख को पहुंचा। रिजर्व एंड सरप्लस 2024 में 31 मार्च तक 188.10 लाख है। इसकी आंकड़े बहुत ही ज्यादा सरप्राइज चेंज हो रहे हैं, एक साल के अंदर बहुत ही फास्ट चेंजिंग आई है, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 72.76% है, ROCE 26.95% है, डेब्ट पर इक्विटी 3.42 है और ये बहुत ही ज्यादा निवेशकों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 63.89% है, पैट मार्जिन 7.52% है, फ्री आईपीओ PE 9.7 है एंड फर्स्ट आईपीओ PE 13.88 है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही सरप्राइज है। हम लोग इसके बिजनेस की बात करें तो 2015 की स्थापित यूनाइटेड कैट फाइव लिमिटेड हाई क्वालिटी ओपन इंड यार्न फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि ये ओपन यार्न की मैन्युफैक्चरिंग करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और ये 2023 में इसने सूती धागे का भी निर्माण
करना स्टार्ट कर चुका है। कॉटन यार्न का भी इसमें 2023 से निर्माण करना स्टार्ट कर चुका है और एक साल में इसके देखेंगे तो इसके जो आंकड़े चेंज होते हुए दिख रहे हैं। कॉटन सूती धागे के निर्माण के बाद से इसके आंकड़े बहुत ही फास्ट चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा सूती धागे का। मैन्युफैक्चरिंग का इसका जो प्लान था वो काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहा, इसके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा। अभी इसके जो क्लाइंट है वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट एक्सपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इसके क्लाइंट है। इसके जो प्रोडक्ट है वो इंड कॉटन यार्न एंड ओपन इंड कॉटन यार्न एंड कॉटन यार्न इसका मुख्य प्रोडक्ट है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर ईयर है 9125 मीट्रिक टन पर एनम है एंड इसकी इसके पास 31 मार्च 2024 तक 118 इम्प्लॉई हैं। तो बिजनेस ठीक ठाक ही कर रही है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना व्यापार फैला रखा है, ये हाई क्वालिटी ओपन इंड यार्न के मैन्युफैक्चरिंग करती है और 2023 से इसने सूती धागे की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर चुका है जिसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा रहता है। कई सेगमेंट में सूती धागे का उपयोग किया जाता है तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रही है। इसका जो मुख्य क्लाइंट है वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो बिजनेस ठीक ठाक दिख रही है। फाइनेंशियली इसके आंकड़े दिख रहे हैं काफी सरप्राइज, फाइनेंशियली इसकी प्रदर्शन है बहुत ही सरप्राइज है, तो बिजनेस अच्छी है, फाइनेंशियली सरप्राइज मोमेंटम है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग 9 जून को 21.43% प्रीमियम के साथ ₹15 पर हुए और आज 10 जून की इसकी जीएमपी ₹18 पहुंच चुकी है। 25.71% की बेनिफिट अपने निवेशकों को दे रही है। अनलिस्टेड मार्केट में अभी ये 88 पर ट्रेड कर रही है और इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है, इसका बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन जाने वाला है क्योंकि बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियली ग्रोथ काफी सरप्राइज है, लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, इसकी जीएमपी भी काफी फास्ट ग्रो करेंगे। फिलहाल अभी 25.71% की बेनिफिट दे रही है, अभी आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ, ओपनिंग के बाद इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मिलने के बाद इसकी जीएमपी में भी काफी फास्ट ग्रोइंग होगी। तो ये कंपनी की बिजनेस बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी इसकी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फाइनेंशियली दिख रही है, जीएमपी भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रही है। पर्सनली इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने के लिए रेडी हूँ, बाकी इस आईपीओ में अप्लाई करना या ना करना आपका डिसीजन होना चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना काफी जोखिम भरा होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी एनालिसिस एंड अपनी रिसर्च जरूर करें, हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने या ना करने का विचार बनाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।